ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि वीरेंद्र जी, एक दोस्त मिला मुझे, तो दोस्त के साथ बातचीत हुई। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, तो एक टूटी सी आवाज़ में उसने कहा, कुछ नहीं विक्रम, वही खेती बाड़ी। तो मैंने कहा, यार कुछ नहीं और खेती बाड़ी दोनों साथ में नहीं चल सकते। अगर खेती बाड़ी कर रहे हो तो सब कुछ ही कर रहे हो, तो जब खेती बाड़ी कर रहे हो तो यार ये तो मतलब वो वाह उसके अंदर कैसे आया कि कुछ नहीं खेती बाड़ी। तो उस जो हमारा संवाद हुआ, उस संवाद को कलम के माध्यम से और पेज पर उतारने की छोटी सी कोशिश की है कविता के माध्यम से। कविता का शीर्षक है एक किसान मित्र। एक मित्र मिला मुझे कई साल में, कुछ समय बीता पूछते हुए हाल चाल में। कुछ घर की बातें हुई, कुछ स्कूल की बातें हुई, मगर मैंने देखा वो खुशी नहीं थी उसके हंसते हुए गाल में। एक मित्र मिला मुझे कई साल में। तो संवाद कैसे शुरू हुआ? संवाद शुरू हुआ कि आजकल क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी मिली या अभी भी पढ़ रहे हो? मित्र बोला कुछ नहीं, टूटे स्वर में मित्र बोला कुछ नहीं, बस वही खेती बाड़ी, कुछ नहीं करने के सिवाय मेहनत मजदूरी और दिहाड़ी। हर रोज खेत में आना जाना है, बस वही खेत में पानी लगाना है। खुद तो पढ़ नहीं पाया, बस अब बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। बोला अपना तो जीवन चल रहा है इसी हाल में। एक मित्र मिला मुझे कई साल में। तो उसके बाद मेरे मन में विचार आए, तो मैंने कहा वाह मेरे मित्र वाह, मैंने कहा वाह मेरे मित्र वाह, कितना जबरदस्त काम करता है तू। सिर्फ अपना ही नहीं, तू तो देश का पेट भरता है। गर्व से कहो किसान हूं मैं और खेती करता हूं, इस पुण्य के काम को बताने में क्यों डरता है? क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं लोग खेती को इस काल में? एक मित्र मिला मुझे कई साल में। तो मित्र थोड़ा मुस्कुराने लगा, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, उसे गर्व सा होने लगा कि मैं खेती कर रहा हूँ। मित्र का चेहरा खिल रहा था, शायद मेरा संवाद उसके हृदय से मिल रहा था। उसकी मंद मंद मुस्कान के साथ होठों से स्वर फूटने ही वाले थे कि मैंने कहा कि मित्र क्या सोच रहा है, तेरी किसानी की वजह से ही तो हर जीव के पेट में भोजन पहुंच रहा है। मेहनत की है खेत में एक किसान ने। एक मित्र मिला मुझे कई साल में। अमीर होने का किसी को घमंड हो या गरीब होकर पेट भरने की चिंता, अमीर होने का किसी को घमंड हो या गरीब होकर पेट भरने की चिंता, हर कोई रोटी ही तो खाता है। जो अन्न हर किसी की थाली में है वो तेरे खेत से होकर ही तो जाता है। अमीर होने का किसी को घमंड हो या गरीब होकर पेट भरने की चिंता, फिर भी हर कोई रोटी ही तो खाता है। जो अन्न हर किसी की थाली में है वो तेरे खेत से ही तो जाता है। मित्र तू सिर्फ परिवार ही नहीं, तू तो देश चलाता है, क्योंकि एक किसान ही भारत का भाग्य विधाता है। किसान की मेहनत का पसीना है हर किसी के रक्त लाल में। एक मित्र मिला मुझे कई साल में। पुरानी बातों को याद करके हम खूब हंसे। अब समापन की ओर, स्कूल का मित्र था। पुरानी बातों को याद करके हम खूब हंसे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हम अलग ही दुनिया में आ बसे। अब चलने का समय हुआ और हम चल पड़े, अब चलने का समय हुआ और हम चल पड़े, मगर फर्क था अब मेरे दोस्त की चाल में। एक मित्र मिला मुझे कई साल में। गर्व से कहो कि हम किसान हैं, और जब कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, गर्व से कहो यार कि मैं खेती कर रहा हूँ, कृषि, उत्तम खेती। इससे मतलब खेती एक ऐसा कार्य है कि एक छोटे से छोटे जीव से लेकर विशालकाय जीव तक हर कोई खेती पर ही निर्भर है। जब किसान की फसल के भाव आते हैं तो पूरी मार्केट में गलो आ जाता है, पूरा ऐसे लगता है मान देश की अर्थव्यवस्था एकदम से चरम सीमा पर पहुंच गई हो।
तो कभी मत घबराइए ये कहने से कि हम किसान हैं। जय किसान देवता, जय भारत माँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।